वंस अगेन स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं डॉक्टर सिखान, सीनियर न्यूरोफिजियो कंसल्टेंट। दोस्तों, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि स्ट्रोक कितने दिन में ठीक हो जाता है। वैसे तो अगर हम TIA की बात करते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक की, तो वो मुश्किल तमाम 24 से 48 घंटों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मेन आर्टरी कोई इन्वॉल्व है तो उसमें आंशिक तौर पर खामियां रह जाती हैं। फुल फ्लेज स्ट्रोक में चेहरा टेढ़ा, बोलने में दिक्कत या आवाज़ चली जाती है। अटैक अगर मेन आर्टरी पर हो तो 50% मामलों में ही मरीज की रिकवरी हो पाती है। स्ट्रोक ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉटिंग है और उसमें भी मेजर पार्ट इन्वॉल्व है, यानी मेजर फॉर्म में ब्लड क्लॉटिंग आई है, तो पेशेंट्स में 100% रिकवरी होना, देयर इज नो चांसेस कि उसमें 100% रिकवरी होगी। पार्शियलिटी डेफिशिएंसी ज़रूर रहेगी। वेरी करता है कि अगर आपका ब्लड क्लॉट का एक्सटेंट माइनर है या मेजर है, उसी हिसाब से रिकवरी वेरी कर रही होती है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि पेशेंट के साथ जो रिकवरी प्रोसेस है वो वेरी कर रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग के एक्सटेंट पे, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये था दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग और रिकवरी संबंधी बात।